नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखना शुरू कर चुके आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया और मैं हूं आपका साथी, आपका मित्र कृष्ण कुमार सैनी। आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद आज करेंगे। आप लगातार जिस प्रकार हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, आपका तहे दिल से आभार। और हमारी सभी वीडियोस को पसंद करने के लिए, सभी न्यूज सेक्शन को पसंद करने के लिए हम आपको आभारी रहेंगे। इसी सेक्शन में आप एक नई जानकारी लेके आए हैं। हैप्पीनेस इंडिया के सभी दर्शक और खासकर महिलाएं जो अभिभावक है वो जरूर सुने, हो क्या रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से हमारे CBSE बोर्ड ने और हमारे हरियाणा बोर्ड ने जिस प्रकार रिजल्ट को डिक्लेयर किया है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, बड़ा अच्छा एक कदम है कि भाई कोरोना को देखते हुए बाहर का एग्जाम को उन्होंने बंद करके बच्चों को प्रमोट किया। बट इससे क्या हुआ है कि बच्चों का जो पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम अपने आप ही प्रमोट हो जाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा वो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम जा रहा है। साथ ही ऐसा देखने को मिल रहा है कुछ पबजी एक जो गेम बंद कर दी थी वो दोबारा फिर से आ गई है, नए रूप के साथ बच्चे उसको खेल रहे हैं और ज्यादातर टाइम उसमें खराब कर रहे हैं। तो सभी अभिभावक जो हमारे हैप्पीनेस इंडिया के जाने वाले हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, सभी अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने जो ये वीडियो वगैरह जो देखते हैं या फिर जो वो गेम वगैरह खेल रहे हैं इस पे अपना कंट्रोल बनाए रखें। उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है उसको भी देखते रहें कि क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सर्च कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ टाइम आप अपना उनके लिए जरूर दें, सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पे या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान फोकस ना रखें, आपको खुद अपना भी 1 से 2 घंटे जरूर दें। उनसे बात करें, उनकी परेशानियों को, उनकी जो भी उनके पास अगर कोई क्वेश्चन है उनको सोल्व करें, उनको सुन के और थोड़ा समय अपने पारिवारिक रूप में भी उनको जरूर दे, जिससे बच्चे को अकेलापन महसूस ना हो और वो अपने अकेलापन को दूर करने के लिए गलत एक्टिविटी या गलत लोगों के संपर्क में ना आए। तो ऐसी चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है कि इंटरनेट का और ऑनलाइन का जमाना लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों की रीच बहुत ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी करना बहुत आसान हो गया है, एक दूसरे से बहुत ही जल्दी हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है, उसके बाद हम पता नहीं कैसे लोगों से मिलना हो जाता है लोगों का, फिर लाइफ भी खराब हो जाती है। कई बार हम ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, कुछ हमें खरीदना हो या बेचना हो, तो ऐसा जाल नेटवर्क बना हुआ है। जो नए जो युवा पीढ़ी है वो खासकर इसमें फंसती जा रही है। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी पढ़ाई पर फोकस रखें और साथ साथ में उनको अपना व्यक्तिगत समय जरूर दें, जिससे बच्चों का अकेलापन और उनका ध्यान भटके ना। तो हमारे हैप्पीनेस इंडिया को लगातार देखते रहें, हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब हमारा हैप्पीनेस इंडिया का एक तरीके से मोटिवेशनल होगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है और अच्छे और सच्चे विचार आप लोगों के साथ साझा करने पर हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया को।